स्टार्ट है कि सर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र क्लासेस है यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे और धैर्य से पढ़ते रहिए, बिल्कुल इत्मीनान और धैर्य से पढ़िए। जो पेपर में आएगा वो आएगा ही, जो आपको याद है वो सही हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा चिंता करनी नहीं, आराम से धैर्य से इत्मीनान से पढ़ते रहिए, क्योंकि जीवन बहुत लंबा है, बहुत अवसर मिलते हैं, बहुत चांस मिलते हैं, लेकिन फिर भी इस भर्ती में, इस परीक्षा में आप अपना 100% दीजिए। तो ये क्लास करंट अफेयर्स की, और करंट अफेयर्स में पुरस्कारों की बात करेंगे, जो 2023 में पुरस्कार दिए गए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, ठीक है। तो अंत तक बने रहेंगे और लाइक करना ना भूलेंगे, शेयर कर दिया करो सबसे पहले। तो पहला पॉइंट हमने लिया है, देखो, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार किसे दिया गया 2023 में? तो ये गुजरात का गांव है दौरडो गांव। कौन से राज्य का है? गुजरात का। इसको दिया गया सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार, गुजरात में दिया गया, एक गांव को दिया गया, सिर्फ गांव की बात हो रही है इस पॉइंट में, है ना। ये क्या लिखा है? पर्यटन गांव। तो क्या नाम है इस गांव का? दौरडो नामक गांव को दिया गया है, ठीक है। पॉइंट नोट कर लेना, इस क्लास में सिर्फ पुरस्कार पढ़ाऊंगा मैं। अगला पुरस्कार है श्री लाल शुक्ल पुरस्कार, वर्ष 2023 का किसे दिया गया? मधु कांकरिया को दिया गया। श्री लाल शुक्ल के नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है। किसे दिया गया? मधु कांकरिया को दिया गया, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा ये पुरस्कार, ठीक है, नोट कर लेना। अगला पॉइंट है 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इनसे पहले इन प्रश्नों को मैं करा चुका हूँ, आप जाकर के पुरानी करंट अफेयर्स की क्लास देखोगे तो, ठीक है, जो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लेकिन अब रिवीजन चल रहा है पुलिस के वजह से, आपका जो पुलिस का एग्जाम आ रहा है 18-19 दिन बचे हैं, रिवीजन करते रहिए बिल्कुल इत्मीनान के साथ, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं। तो 53वां था दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 2021 का पुरस्कार दिया गया है ये, लेकिन 21 का दिया गया है, अभी तो लेट चलता है जी बहुत ज़्यादा, है ना। किसको दिया गया? वहीदा रहमान को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार का फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है भाई साहब, जिसकी स्टार्टिंग 1969 में हुई थी। पहला पुरस्कार 1969 में देविका रानी को दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार को भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय देता है, जिसके इस समय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर भारत सरकार में, ठीक है। तो 8 महिलाओं को मिल चुका है अब तक, वहीदा रहमान समेत कितनी महिलाओं को मिल चुका है? 8 महिलाओं को दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। अगला पुरस्कार है ग्लोबल इंडियन अवार्ड पुरस्कार, पाने वाली पहली महिला भारत की सुधा मूर्ति बन गई, 2023 में चर्चा में था ये पुरस्कार। ग्लोबल इंडियन, ग्लोबल का मतलब वैश्विक, वैश्विक इंडियन पुरस्कार, ग्लोबल इंडियन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, क्या नाम है? सुधा मूर्ति, जानी मानी, ये बिजनेस से संबंधित है, बिजनेस में और कम उम्र के लोगों में ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। इनके पति को भी ये पुरस्कार मिला, नारायण मूर्ति उनका नाम है, नारायण मूर्ति, और पत्नी का नाम सुधा मूर्ति, तो दोनों को मिला है वैसे, लेकिन महिला के तौर पे सुधा मूर्ति इस पुरस्कार को, लिख लेना आराम से, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार 2023 का डॉक्टर स्वाति नायक को दिया गया, जो कृषि से जुड़े हुए वैज्ञानिकों को दिया जाता है। आपने जीएस में पढ़ाई होगा नॉर्मन बोरलॉग का नाम, नॉर्मन बोरलॉग जो कि दुनिया में हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं, विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले? अमेरिका के, और अमेरिका में इन्होंने हरित क्रांति पर काम किया था, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। तो इनके नाम से कृषि के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, तो ये भारत की डॉक्टर स्वाति नायक को दिया गया है, 32 साल या 30 साल से कम उम्र के लोगों को दिया जाता है ये, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूरोपीय संघ का सीड्स मानव अधिकार पुरस्कार, कौन से संघ का है ये? यूरोप के संघ का पुरस्कार है ये, मानव अधिकार पुरस्कार है, मानवों के अधिकारों के लिए जो व्यक्ति काम करते हैं। तो किसे दिया गया? महसा अमीनी को दिया गया ये, महसा अमीनी को ये पुरस्कार दिया गया, महसा अमीनी को दिया गया, ठीक है। सीड्स मानव अधिकार पुरस्कार दिया गया यूरोपीय संघ का, आराम से लिख लें, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। आप प्रश्न भेज करके हमारे नंबर पर, पर्सनल जिन जिन बच्चों के पास हैं, बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइबर से दूर दराज के हैं, सब पे पर्सनल नंबर भी है मेरा, नहीं तो आप जो नहीं है वो आप फेसबुक पे भेज सकते हैं अपना प्रश्न, ठीक है। अगला है आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार 2023 का, जो एक डिपार्टमेंट को दिया गया, IRECE डिपार्टमेंट है, इसे एक बार आप चेक कर लेना, है ना, चेक करने के लिए गलत नहीं है जी, लेकिन डिपार्टमेंट का नाम है IRECE को दिया गया है गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाता है ये, ठीक है। कोई दिक्कत हो पूछ लीजिएगा, टेंशन ना लें, बिल्कुल आराम से पढ़ते रहें। अगला बात करते हैं
वर्ष 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार, रामानुजन मतलब जाने माने गणतज्ञ थे हमारे भारत के रामानुजन, उनकी याद में 22 दिसंबर को गणित दिवस भी मनाते हैं, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं, ठीक है, जाने माने गणतज्ञ थे, तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और किन को दिया गया है, रोडियक्सन झांग को दिया गया है ये पुरस्कार, ठीक है, रोडियक्सन झांग को ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है, वर्ष 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, ये नोट कर लेना। ये कैलिफोर्निया के गणितज्ञ हैं, कौन सी जगह के, अमेरिका के कैलिफोर्निया के। तो युवा गणितज्ञों को दिया जाता है जो गणित के क्षेत्र में उनको उपलब्धियां प्राप्त हैं, ठीक है। रोडियक्सन झांग को दिया गया है, कुछ ऐसे नाम मिलते हैं टेढ़े मेढ़े, ठीक है, शास्त्र रामानुजन। अगला है महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार, ये रतन टाटा को दिया गया है। रतन टाटा आप जानते हैं, जाने माने हमारे यहाँ उद्योग के व्यक्ति हैं, टाटा कंपनी के जाने माने व्यक्ति रहे, तो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार उन्होंने शुरू किया है, तो रतन टाटा जी को दिया गया है, वर्ष 2023 में पहला ही पुरस्कार दिया जाए, ठीक है। अगला है ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये किसे दिया है, रतन टाटा जी को दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना सर्वोच्च सम्मान 2023 में रतन टाटा जी को दिया है, ऑस्ट्रेलिया देश ने, है ना, क्या नाम है इसका, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, किसे दिया, रतन टाटा जी को, नोट करते चलना। एक पुरस्कार ई गवर्नेंस 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार, ई गवर्नेंस वर्ष 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया, पंचायती राज मंत्रालय को दिया गया, जो भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय को दिया गया है, ठीक है, नोट कर लेना। अगला प्रश्न है 41वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार, ये पढ़ा चुका हूं मैं, 41वां था ये, कौन सा है, 41वां लोकमान्य तिलक, ये किसे दिया गया, प्रधानमंत्री जी को दिया गया 2023 में, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, लोकमान्य तिलक जी के नाम से दिया जाता है ये पुरस्कार, ठीक है, नोट कर लेना। अगला है पॉइंट ओलंपिक ऑर्डर 2023 का पुरस्कार डॉक्टर ट्रेडोस को दिया गया है, और ये किसके द्वारा दिया गया, थॉमस वॉक, जो ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं इस समय, जो ओलंपिक कमेटी है हमारी उसके अध्यक्ष हैं, जो ओलंपिक गेम्स होते हैं, थॉमस वॉक, इन्होंने डॉक्टर ट्रेडोस को ये पुरस्कार दिया गया, कौन सा पुरस्कार दिया है, ओलंपिक ऑर्डर। और 2024 के जो ओलंपिक खेल होने हैं उसमें मुख्य अतिथि भी रहेंगे डॉक्टर ट्रेडोस, जो WHO के इस समय हेड हैं। 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ पे होंगे, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो ओलंपिक खेल शुरू होंगे, जिस दिन उद्घाटन होगा, तो मुख्य अतिथि किसे बुलाया है, डॉक्टर ट्रेडोस को, जो इस समय WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी 7 अप्रैल को, उसके हेड हैं इस समय डॉक्टर टेड्रोस, इनको ओलंपिक ऑर्डर से पुरस्कार भी दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत गौरव सम्मान बरेली के फरमान मियां को दिया गया है, भारत गौरव सम्मान बरेली के फरमान मियां को दिया गया है, स्वागत है सर आपका। अगला पुरस्कार हम बता रहे हैं गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है जी, गोल्डमैन पर्यावरण, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, सर बैठिए सिट डाउन, ये हमारे जाने माने फैकल्टियाँ हैं हमारे स्टूडियो में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के फैकल्टी हैं, पिछले 35 सालों से लगातार GS पढ़ा रहे हैं और हिंदी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा इस क्लास के बाद सर के साथ। तो गोल्डमैन पर्यावरण, पर्यावरण के क्षेत्र में ब्राजील के अमेजन के रहने वाले मुड रकू को दिया गया है, ये है ना, ये नाम अच्छे से लिख लेना, देखो मुड रकू नामक नाम है जिनका ये दिया गया, ये कहाँ के निवासी, अमेजन, और अमेजन के जंगल आपने सुने होंगे, पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं उनको, विश्व के सबसे घने जंगल हैं, चूंकि सूर्य की रोशनी भी नीचे तक नहीं जा पाती, इतने घने वन हैं, जंगल हैं, फॉरेस्ट एरिया है पूरा का पूरा अमेजन के जंगल, और यहीं होकर के दुनिया की सबसे चौड़ी नदी बहती है जिसका नाम है अमेजन की नदी, और अमेजन के जंगल भी बोलते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं, चूंकि विश्व की कम से कम 20% ऑक्सीजन, टोटल 100% में से 20% ऑक्सीजन उन्हीं वृक्षों से, उन्हीं पेड़ों से, ये अमेजन के जंगल से लोगों को मिलती है, ठीक है। तो ये पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है अमेजन के रहने वाले मुड रकू को। अगला पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार, ये पत्रकारिता के क्षेत्र का बहुत प्रसिद्ध पुरस्कार है, पुलित्जर पुरस्कार 2023 का, अभी आप देख ही रहे हैं 2022 में रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया था, रूस और यूक्रेन में युद्ध हो गया, तो रशिया ने अटैक किए बहुत सारे अलग अलग शहरों पर यूक्रेन में, तो
तो इन दोनों की लड़ाइयों को बहुत सारे पत्रकार जाते हैं देश विदेशों से कवर करने के लिए, न्यूज़पेपर्स होते हैं, प्रिंट मीडिया होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है जो कवर करते हैं लड़ाइयों को। जैसे हमास और इसराइल की लड़ाई आपने देखी हो तो हमारे इंडिया के जो बड़े बड़े चैनल हैं, न्यूज़ चैनल्स, वो पहुंच गए थे वहां पर जब इधर से उधर से मिसाइल आ रही थी, तो और वो कवर कर रहे थे हमारे बहुत सारे चैनल्स जो हम देखते हैं हमारे इंडिया के। तो कवर करने के लिए लड़ाई को, रूस और यूक्रेन की लड़ाई को कवर करने के लिए, तो ये पुरस्कार पुलित्ज़र का पुरस्कार दिया गया, न्यूयॉर्क की समाचार एजेंसी को दिया गया एपी को, और न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया, दोनों को दिया गया। ये अमेरिका के न्यूयॉर्क, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय भी है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भी मुख्यालय है, न्यूयॉर्क शहर है ना, बहुत खूबसूरत शहर, जो 2023 में सबसे महंगा शहर के रूप में भी इसकी एक रैंक आई थी, याद रखिएगा न्यूयॉर्क शहर के बारे में ना। चलेंगे कभी आप पुलिस में लगो फ्लैट लेके चलेंगे न्यूयॉर्क घूमने, ये सर भी कह रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए गए 2023 में, तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया मध्य प्रदेश को, पहला स्थान इसमें मध्य प्रदेश को दिया गया सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में, पानी के मैनेजमेंट को लेकर के एक अच्छे तरीके से जो कार्य किया वो मध्य प्रदेश ने किया। ये चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार थे, इससे पहले 3 दिए जा चुके हैं, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार था जी, लिख लेना यहाँ पे चौथा लिख लेना, लिखें तो आप एमपी को दिया गया। अगला प्रश्न है, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान 2023 में टाटा के चेयरमैन है इस समय, इनका नाम है एन चंद्रशेखर, इनको दिया गया फ्रांस ने 2023 में। जो टाटा कंपनी है उसके जो मालिक हैं कर्ता धर्ता तो रतन टाटा हैं, लेकिन चेयरमैन भी तो कोई ना कोई रहते हैं, चेयरमैन बनाते हैं जो पूरी कंपनी को डील करते हैं संभालते हैं, तो टाटा कंपनी के चेयरमैन का नाम क्या है, एन चंद्रशेखर, इनको दिया फ्रांस ने अपना सर्वोच्च सम्मान 2023 का, फ्रांस ने सर्वोच्च सम्मान दिया। और ऑस्ट्रेलिया ने अपना सर्वोच्च सम्मान रतन टाटा को दिया है, ये दोनों पॉइंट याद रखना ठीक है। पोलैंड ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को 2023 का, क्योंकि देखो भैया पोलैंड पड़ोसी देश है, अगर आप विश्व का मानचित्र देखेंगे तो पोलैंड किसका पड़ोसी है, यूक्रेन का, और पोलैंड यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है और यूक्रेन को ही सपोर्ट किया उसने। मान लीजिए वैसे सपोर्ट नहीं कर सकता तो कूटनीति के माध्यम से, डिप्लोमेसी के माध्यम से सपोर्ट किया, इस वजह से पोलैंड ने अपना सर्वोच्च सम्मान किसे दिया, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की साहब को दिया गया ठीक है, इस लड़ाई को लेकर के ठीक है सर। अगला देखें, सर बता रहे मानचित्र पे के पोलैंड का है, ये देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये पहले ये लिखना कि कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया, बड़ा लेट चलता है भाई साहब पुरस्कार गुरुजी, 2023 चल 23 खत्म हो चुकी है भाई साहब, और ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी साल का दिया गया, 21 का, और कब दिया है ये, 23 में दिया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये कौन सा, 57वां, जो कि साहित्य के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, जिसका शुभारंभ 1965 में हुआ था ठीक है। किसे दिया गया, दामोदर मौजी को दिया गया कोंकणी भाषा के लिए, दामोदर मौजी को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। कमेंट बॉक्स में बताओ हिंदी की पहली कवियत्री कौन थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले मिला और कौन सी रचना के लिए मिला। हिंदी की प्रसिद्ध 3 कवियत्रियों के या लेखकों के नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए जिनको अपनी अपनी उपन्यास या अपनी रचनाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए, आपका रिविजन होगा। अगला है 32वां व्यास सम्मान, कौन सा है जी, 32वां है, 2023 में दिया गया डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया, इनका उपन्यास है पागलखाना, ये पागलखाना और लिख लेना जी इनके उपन्यास का नाम है भाई साहब है ना, और पागलखाना बहुत प्रसिद्ध है आगरा में, पता नहीं अब तो ये कहते हैं आगरा से ट्रांसफर कर दिया बरेली में, पागलखाना कर दिया गया गुरु जी, पागलखाना तो अभी भी है आगरा में ठीक है। तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जिन्होंने एक उपन्यास लिखा है पागलखाना के नाम से, इनके लिए इनको पुरस्कार मिला, 32वां व्यास सम्मान मिला, मार्च 2023 में दिया गया जी, मार्च के महीने का करंट का पॉइंट ठीक है। बिहारी पुरस्कार 31वां है जी, ये कौन सा पुरस्कार है, 31वां बिहारी पुरस्कार है जी, ये किससे दिया गया, डॉक्टर माधव हांडा को दिया गया, राजस्थान के निवासी हैं जी, डॉक्टर माधव हांडा ठीक है, 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया साहब। अगला है गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2023 में दिया गया लेकिन 21 का पुरस्कार है जी, गांधी शांति पुरस्कार है 2021 का लेकिन दिया कब है, 23 में दिया है। कैसे दिया गया, गीता प्रेस को दिया गया, ये मैंने पढ़ा चुका हूँ कई बार, 18 जून 2023 को दिया गया ये गीता प्रेस को, और गीता प्रेस कहाँ पे स्थित है, बहुत विश्व प्रसिद्ध प्रेस है, जो कि धार्मिक जो हमारे ग्रंथ आते हैं शास्त्र आते हैं
बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े स्केल पर उनका प्रिंट करते हैं और वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं भारत में अथवा दुनिया के अलग अलग देशों में जाते हैं। जिसमें श्री रामायण जी की बात करें, श्री रामचरित मानस की, श्रीमद् भागवत गीता की बात करें, है ना, श्री पुराणों की बात करें या वेदों की बात करें, ये सभी गीता प्रेस में छपते हैं एक बहुत बड़े स्केल पर। गीता प्रेस की स्थापना वर्ष 1923 में गोरखपुर में की गई थी, जिनमें मुख्य व्यक्ति दो तीन लोग थे, जिसमें एक हनुमान पौद्दार भी व्यक्ति थे जो संस्थापक लोगों में रहे। ठीक है जी, तो गांधी शांति पुरस्कार 2021 का गीता प्रेस जो कि यूपी के गोरखपुर में स्थित है और गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्थित है, ठीक है, और जो कि तराई के क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये वाला हिस्सा, राप्ती नदी के तट पर स्थित है गोरखपुर, गोरखपुर से होकर के राप्ती नदी बहती है और गोरखपुर में मिट्टी के बर्तन बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं लोगों के द्वारा, जिनसे उनको रोजगार मिलता है, जैसे टेराकोटा हम कहते हैं। टेराकोटा उद्योग के लिए गोरखपुर बहुत प्रसिद्ध है और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू गोरखपुर में निवास करती है और थारू समुदाय के लोग भी टेराकोटा वाला काम करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना बेटा, जा लगा दे जी, आवाज आ जाएगी, जहाँ तक क्लास डिस्टर्ब होता है पड़े कुर्सी है तो लेके। अगला पॉइंट गांधी शांति के बाद बात करते हैं, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार वर्ष 2023 का किसको दिया गया, आशा भोसले जी को दिया गया जी। ठीक है, ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के नाम से दिया जाता है, आशा भोसले जी को 2023 में दिया गया। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत शक समस्या हो तो पूछिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो गोरखपुर वाला हिस्सा है, जो हमारे उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल वाला हिस्सा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा है, महाराजगंज कुशीनगर देवरिया से लेकर के नीचे तक, यहाँ पर धान की खेती अच्छी होती है, धान का उत्पादन बहुत अच्छा होता है यहाँ पर। ठीक है, धान के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये इलाका। सरस्वती सम्मान 32वां है, ये सरस्वती सम्मान किसको दिया गया, शिव शंकरी को दिया गया, तमिल भाषा के लिए, तमिल भाषा के लिए दिया गया। सूर्य वामसम एक रचना का नाम है, सूर्य वामसम रचना के लिए दिया गया। सरस्वती सम्मान दिया गया शिव शंकरी, ठीक है, नोट कर लेना, शिवशंकरी तमिल भाषा के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया वर्ष 2023 के लिए, विश्व के लेवल पे दिया जाता है ये खाद्य पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार हैदी कुन्ह को दिया गया। ये नाम को चटपटा सा है पर लिख लेना आप, हैदी कुन्ह को दिया गया। इनकी एक संस्था है, ये अमेरिका के रूट्स ऑफ पीस के नाम से एक संस्था है जो कि विश्व भर में ये काम करते हैं, संस्था के माध्यम से लोगों को खाद्य के रूप में, खाद्य के वितरण के रूप में कार्य करती है ये संस्था। रूट्स ऑफ पीस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अमेरिका की है, तो इनको दिया गया विश्व खाद्य पुरस्कार 2023 का। स्टॉक होम जल पुरस्कार, ये जो विश्व जल दिवस होता है ना 22 मार्च को मनाते हैं, विश्व जल दिवस, पानी को बचाने के लिए जल दिवस मनाया जाता है, विश्व भर में लोगों को अवेयर करने के लिए जल दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है, तो इसी अवसर पर स्टॉक होम जल पुरस्कार दिया गया। स्टॉक होम क्या है, स्वीडन की राजधानी है भाई साहब स्टॉक होम, तो स्वीडन की राजधानी के नाम से दिया गया स्टॉक होम जल पुरस्कार 2023 का। एंड्रिया रेनाडो को दिया गया, ये प्रोफेसर साहब हैं जो कि पानी को लेकर के काम करते हैं, एंड्रिया रेनाडो, स्टॉक होम जल पुरस्कार दिया गया 2023 का। ठीक है, तो ये थे पुरस्कार इस क्लास में, अगर कहीं कोई दिक्कत आपको लगी हो तो आप पूछ सकते हैं, प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, इस वजह से हमारी कोशिश है कि आपको वहाँ तक हम ले जाएं, यहाँ से आपका प्रश्न करंट का ना छूटे। और एक और क्लास लाऊंगा अभी भारत के, और कुछ सर्वोच्च पुरस्कार रह गए 2023 के, वो मुझे पढ़ाने हैं अभी, इसमें कुछ विश्व के पढ़ा दिए मैंने और ये भारत के आ गए, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, व्यास सम्मान, है ना, ये भारत के मैंने बता दिए। तो अगली क्लास में मिलते हैं, बिल्कुल पूरा धैर्य और इत्मीनान के साथ आप पढ़ते रहिए, 18 दिन 20 दिन जो बचे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं, जितना आप सर पढ़ पाएंगे उतना ही पढ़ाई हो पाएगी, जितना आप पुराने समय से पढ़ते आए होंगे वही पढ़ाई काम आएगी। तो ज़्यादा हड़बड़ाहट से और ज़्यादा आप सोचें कि पूरे कवर कोर्स को कवर कर लें जैसा कि सर हमारे बता रहे हैं, तो पूरा कोर्स कवर नहीं हो पाएगा। जितना पढ़ पा रहे हैं 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की पढ़ाई आप करिए 24 घंटे को मिला करके। ठीक है, शांति से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, और आपके साथ हम जुड़े हुए हैं देवेंद्र क्लासेस चैनल के माध्यम से, लगातार हम आपको क्लास बता रहे हैं, इन सारी क्लासों को देखते रहिए और शेयर करिए अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ, अपने मिलने वाले हों या मिलने वाली हों सभी के साथ आप शेयर करिए क्लास को। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम।